हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई बहुत ही अच्छा रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पाव भाजी की रेसिपी, जो आप घर पर बना सकते हैं काफी इजी प्रोसेस से। बिना मैश किए आप फटाफट से 15 मिनट, ओनली 15 मिनट में आप इस पाव भाजी की रेसिपी को फटाफट से तैयार कर सकते हैं, आपके पास घर में जो अवेलेबल सब्जियां हो उन सब्जियों के साथ ही। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी पाव भाजी की रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को भाजी की रेसिपी बहुत जल्दी बनाना बताऊंगी। आप फटाफट से इस भाजी को बना सकते हैं बिना मैश किए कुकर में। सिर्फ आप 10 मिनट में ये भाजी रेडी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ 4 टेबल स्पून में तुहर का दाल ले रही हूँ। देख सकते हैं आप, घर में जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो तुहर का दाल मैं ली हूँ। इसमें हम फ्रेंड्स पानी डाल के इसे 20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, जैसा आपके पास समय हो, इसे हम भिगो कर रख देंगे रेस्ट के लिए। पानी डाल के इसे हम भिगो देना है फ्रेंड्स। अब हम सारे वेजिटेबल ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे फ्रेंड्स। जैसे मैं यहाँ लौकी को बारीक चॉप कर ली हूँ, गाजर को भी फ्रेंड्स हम बारीक चॉप कर लेना है, शिमला मिर्च भी मैं बारीक चॉप कर ली हूँ, यहाँ पे फूलगोभी है इसे भी मैं बारीक चॉप कर ली हूँ, बीन्स है इसे भी मैं छोटे छोटे ऐसे कट कर ली हूँ, देख सकते हैं आप। साथ ही फ्रेंड्स मैं यहाँ ली हूँ मटर। मैं यहाँ फ्रेश मटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रोज़न मटर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है कोई सा भी मटर तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे सब्जी को, आपके पास कोई और सब्जी हो तो आप उसे इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई सब्जी ना हो तो उसे इसमें स्किप भी कर सकते हैं। भाजी में फ्रेंड्स सारी सब्जियाँ पड़ती हैं। अब हम यहाँ 8 से 10 लहसुन का कली ली हूँ और 1 इंच अदरक ली हूँ। इसका हमें फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। साथ ही मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी ली हूँ, इसका भी हमें फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। हम कोई भी चीज़ में कट करके नहीं डाल रहे फ्रेंड्स, कोई भी मसाले नहीं डाल रहे कट करके। वेजिटेबल तो डाल रही हूँ, सबका हम पेस्ट ही डाल रहे हैं, ताकि जो हमारा भाजी है ना फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बिना मैश किए हुए बता रही हूँ, फटाफट से आप कैसे बना सकते हैं। 3 में यहाँ फ्रेंड्स देसी टमाटर ली हूँ, इसका भी हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ तैयार है, प्याज की पेस्ट यहाँ पे तैयार है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ हमारा टमाटर का प्यूरी भी यहाँ पे रेडी है। अब आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कुकर गरम कर लेंगे फ्रेंड्स। इसे अच्छे से हमें हीट होने देना है हाई फ्लेम में। जैसे ही हमारा कुकर अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स ऑयल। अब आप सोचेंगे भाजी, वो भी तेल में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ रिफाइंड तेल में भाजी बनाऊंगी। मैं बटर का यूज़ लास्ट में करूँगी फ्रेंड्स, जब मैं यूज़ करूँगी आप लोगों को बताती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए, हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। जैसे ही हमारा जीरा चटकना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अच्छे से चटक जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा जो लहसुन और अदरक का पेस्ट था वो। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स, ताकि ये जो लहसुन अदरक का कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे, इसलिए हम इसे पहले ऐड किए हैं। 2 से 3 मिनट का प्रोसेस लगेगा हमें इस लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनने में, क्योंकि हमारा गैस का फ्लेम हाई है। अब हम यहाँ पे कर देंगे फ्रेंड्स गैस का फ्लेम मीडियम, और इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा प्याज का पेस्ट, और मीडियम फ्लेम पे ही इस प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। तब तक हमें प्याज भूनना है जब तक ये हमारा प्याज बिल्कुल अच्छे से सुनहरा सा कलर ना आ जाए, और हमारा प्याज जो है ना फ्रेंड्स वो तेल ना छोड़ दे। जैसे ही हमारा प्याज तेल छोड़ने लगेगा ना, आप समझ जाइए कि आपका प्याज बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, और साथ ही साथ बहुत अच्छा प्याज भूनने का जो खुशबू होता है ना फ्रेंड्स, स्मेल, वो भी बिल्कुल अच्छा सा आने लगेगा। तो आप समझ सकते हैं ये प्याज को भूनने में हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पे। इसे हम अच्छे से बिल्कुल भून लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा प्याज का अच्छा सा सुनहरा सा कलर आ चुका है, साथ ही हमारा जो प्याज है ना, देख सकते हैं कितनी अच्छे से तेल छोड़ रहा है, मतलब हमारा प्याज बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। हम इसमें अब टमाटर का प्यूरी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, और इसे भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे। इस तरीके से हम एक बार मिक्स करते हुए भूनना है इस टमाटर को भी, ताकि ये जो हमारा टमाटर लहसुन अदरक और प्याज है आपस में बहुत अच्छे से बाइंड हो जाए, बहुत अच्छे से हमारा ये मिक्स हो जाए फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें सारे प्यूरी को पहले ऐड करना है। अब हम इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स हमारा कुछ
बेसिक मसाले, जैसे अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टेबल स्पून, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी धनिया पाउडर और साथ ही 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च। फ्रेंड्स आप यहाँ रेगुलर लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारा भाजी का कलर मार्केट वाला होता है ना, वो लाने के लिए हमें इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रेंड मैं कोई भी कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मार्केट वाली जो भाजी होती है उसमें वो लोग कलर के भी यूज़ करते हैं तभी इतनी अच्छी कलर आती है, बट मैं बिना कलर यूज़ किए आज आप लोग को मार्केट वाले भाजी का कलर और टेस्ट तो उससे भी अच्छा लाकर घर पर ही बताऊँगी। फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करूँगी जो लास्ट में यूज़ करूँगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं, तेल हमारा मसाला जो है वो छोड़ रहा है, मतलब हमारे मसाले अच्छे से एकदम भुन चुके हैं। अब जो हमारा सारा सब्जियां था ना फ्रेंड्स, जिसे मैं बारीक चॉप करके रखी थी, ये सारी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सारे सब्जियों को इसमें अच्छे से ऐड करने के बाद फ्रेंड्स एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो हमारा मसाला है सारे सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसे 3 मिनट अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि जो हमारा सब्जी है वो मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जाए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो तुअर का दाल हम भिगो कर रखे थे, वो हम सारे दाल इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी मटर, मैं यहाँ फ्रेश मटर का यूज़ की हूँ, आप फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मटर इसमें ऐड करके इन सारे मसालों को और वेजिटेबल्स को मैं 3 से 4 मिनट अच्छे से बिल्कुल भून लूँगी। हमें इसे सब्जी को पूरा पकाना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें सीटी लगाएंगे, तो बस इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये मसाला अच्छे से सब्जी में मिक्स हो जाए। देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा भाजी मसाला 1/2 टेबल स्पून, और वापस से इसे एक बार मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। पानी की क्वांटिटी मैं यहाँ कम इसलिए ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो भाजी होता है हमारा वो थिक कंसिस्टेंसी में ही अच्छा लगता है। बाद में अगर आपको पानी की क्वांटिटी कम लगे तो आप ऊपर से ऐड कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे आप 1 गिलास पानी ही ऐड कीजिए। और इसे अच्छे से कुकर को बंद कर कर हमें मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक इसे पकाना है। ध्यान रखें फ्रेंड्स 2 सीटी आने तक, आप चाहे तो 3 सीटी आने तक भी पका सकते हैं। कुकर को अच्छे से बंद करके 2 सीटी आने तक हम पका लेंगे। 2 सीटी आ चुका है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ गैस को कर देती हूँ बंद और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख लेते हैं। आइए जब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। एक तड़का पैन यहाँ ले ली हूँ मैं, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। साथ ही मैं यहाँ ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून घी और 1 टेबल स्पून बटर। पहले घी इसलिए ऐड की फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं पहले बटर ऐड करती तो वो बटर बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए पहले मैं यहाँ घी ऐड करने के बाद इसमें बटर ऐड कर दी हूँ। जैसे ही हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा और 4 से 5 मीठे नीम का पत्ता, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स काश्मीरी लाल मिर्च कलर आने के लिए। ध्यान रखें मैं पहले भी इसमें काश्मीरी लाल मिर्च ऐड की हूँ, इसलिए यहाँ क्वांटिटी कम ली हूँ लाल मिर्च का। अब यहाँ गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और ये जो हमारा भाजी रेडी है इसमें हम इसको कर देंगे ऐड। ये बटर की वजह से ऐसे कालापन दिख रहा है फ्रेंड्स, पर ये जला बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ, इसे हम ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंसी हमारा आ चुका है। अभी मैं आप लोग को सर्व करके भी दिखाऊंगी, जब तक हम यहाँ पाव सेक लेते हैं। आप यहाँ नॉनस्टिक तवा का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें मैं ऐड कर दी बटर। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ प्याज और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। इससे जो हमारा पाव होता है ना फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो सादा पाव भी ऐसे ही सेक सकते हैं, बट ये धनिया का पत्ता और प्याज डालने के बाद इसका जो पाव का टेस्ट होता है ना, दुगुना हो जाता है फ्रेंड्स। बीच में पाव को ऐसे हम कट करने के बाद इस तरह से सेक लेंगे। दोनों तरफ से हमें बराबर सेकना है। कुछ लोग ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेक सकते हैं फ्रेंड्स।
इस तरीके से मिक्स करते हुए हम ऐसे पलट लेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये जो हमारा प्याज और मसाले थे बिल्कुल अंदर अच्छे से फिल हो चुके हैं। इस तरीके से हम इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। अब हम पलट के इस साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं काफी अच्छा कलर आ चुका है हमारे पाव में। दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं फ्रेंड्स। अब आइए सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देख सकते हैं कंसिस्टेंसी हमारा भाजी का भी काफी अच्छा है, ना ही ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा है फ्रेंड्स। हमें बिल्कुल भी मैश करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं यहाँ बारीक चॉप की थी वेजिटेबल। देख सकते हैं ऑलरेडी ये अपने जो हमारा भाजी का कंसिस्टेंसी होता है उसमें आ चुका है। देख सकते हैं हमारा जीरा भी बिल्कुल भी नहीं जरा, काफ़ी अच्छा गोल्डन सा कलर आया है। अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए धनिया का पत्ता ऐड कर दे रहे हैं जो मैं धोकर बारीक चॉप करके रखी थी फ्रेंड्स। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी बटर। फ्रेंड्स पाव भाजी तो गर्मा गर्म खाने में ही अच्छा लगता है, इसलिए आप इसे गर्मा गर्म बनाएं और गर्मा गर्म ही सर्व करें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। साथ ही मैं जो मैं पाव सेक कर रखी थी वो पाव इसमें ऐड कर दे रही हूँ, मतलब सर्व कर दे रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो हमारा प्याज और धनिया का पत्ता था अंदर फिल हो चुका है, तो कितना अच्छा ये दिखने में भी लग रहा है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है फ्रेंड्स। साथ ही मैं इसमें सर्व कर रही हूँ प्याज और नींबू अच्छे से। तो आप लोग भी इसे घर पे जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और अब मेरे हस्बैंड को मैं दी हूँ सर्व करके, वो मुझे टेस्ट करके हमेशा बताते हैं कि मेरी पाव भाजी कैसी बनी है। तो आज भी वो टेस्ट करेंगे, वो खाने में काफ़ी चटपटा पसंद करते हैं इसलिए वो नींबू इसके ऊपर से डाल रहे हैं। ऐसे डाला जाता है, टेस्ट अच्छा आता है फ्रेंड्स। आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोगों को कुछ दूसरी रेसिपी भी चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को हमारी पाव भाजी की रेसिपी? मुझे पता है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स जिन लोगों को अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना ना भूले, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करना ना भूले। फ्रेंड्स ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।